हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। आई वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी वुड फिनिश दिस लेसन एंड वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। और कल हमने बच्चों जैसा कि पढ़ा था कि जनरेशन जो पॉपुलेशन है इस दुनिया की, वो एक फैक्टर है पृथ्वी को बीमार करने का, या जो प्लेनेट है उसकी, बिल्कुल जितनी उसकी जो स्वास्थ्य है वो गिरावट होती जा रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जो रिसोर्सेस हैं वो उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल में होंगे, और कम होगी तो उसके कम इस्तेमाल होंगे और वो लंबे समय तक बने रहेंगे। ओके, तो कल हमने जो कि फिनिश किया था द रिच गेट रिचर, ये वाला हमने जो लास्ट में पढ़ा था। और आज जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, कि जो भारत की जो जनसंख्या है जिसका अंदाज़ा है कि 920 मिलियन आज उसकी पॉपुलेशन है भारत की, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका की पॉपुलेशन को इकट्ठा या मिला दिया जाए तो भी हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे कहीं ज़्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हंटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कह रहे कि एक बार नो को छोड़ देते हैं, आपको मतलब बीच में समझ में आएगा और नो का क्यों यूज़ हुआ पहले यहाँ पर। कह रहे कि नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया, कि कोई भी पर्सन जो फेमिलियर मतलब जिसको ज्ञान है, ठीक है, जो भारत के अंदर जो दशा है, भारत के अंदर जो कंडीशन है, तो उसको देखते हुए उसको शक नहीं होगा, उसके ऊपर संदेह नहीं करेगा। किसके ऊपर? कि कोई भी इंसान उसके ऊपर शक नहीं करेगा कि जो लोगों की आशाएं हैं वो कहाँ मरेंगी, उनकी भूखी झोंपड़ियों में मरेंगी। अल्टीमेट्स मतलब उनकी झोंपड़ियों में मरेंगी, अगर अनलेस मैंने यदि नहीं, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को उन्होंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा तो। अब देखिए दोबारा से देखिए कि कह रहे कि लोगों की जो आशाएं हैं वो उनकी भूखी झोंपड़ियों में ही मर जाएगी, वहां पर दम तोड़ देंगी, अगर लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी तो। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी और ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। मानव इतिहास में पहली बार जो कि ट्रांसेंडिंग क्या होता है, श्रेष्ठ और कंसर्न चिंता, जो कि सबसे बड़ी जो चिंता जताई जा रही है वो है कि ये जो संघर्ष है, जो सर्वाइवल है, वो लोगों का नहीं है, वो एक वो इस प्लेनेट का है, वो इस ग्रह का सर्वाइवल है, संघर्ष है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और हम लोगों ने एक होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक व्यू मीन्स समग्र, मतलब सभी को एक समझना, तो हमने एक समग्र दृष्टिकोण अपना लिया है हमारे अस्तित्व को लेकर के। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जो पर्यावरण जो समस्या है, वो पक्का सिग्नल नहीं है हमारे अंत का, ये हमारे फ्यूचर में जाने का एक पासपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन जो मतलब देश है, वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, बिना पासपोर्ट के हमारी एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। तो वैसा ही है कि अगर हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर एनवायरमेंट ही सही नहीं, तो हम फ्यूचर में कैसे एंट्री करेंगे? तो ये हमारे लिए एक पासपोर्ट का काम करता है क्या, हमारा एनवायरमेंट। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमर्जिंग मीन्स उभरता हुआ, जो उभरता हमारा हुआ जो दुनिया का जो सपना है वो अशर्ड मीन्स प्रवेश का कार्य करना, ठीक है, तो वो जो उभरता हुआ जो हमारा जो सपना है इस दुनिया का, वो प्रवेश का कार्य करता है किसमें, इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के युग में। ईरा मतलब युग, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार है का युग। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, ये एक समग्र व्यू है, एन इकोलॉजिकल व्यू, पर्यावरणीय व्यू है, क्या है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। कि क्या देखना कि ये दुनिया है जो कम्प्लीटली एक
इंटीग्रेटेड होल है, एक इकाई है, ठीक है। पूरी पूरा जो दुनिया है वो एक इकाई है, ना कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनका कलेक्शन है, उनका एक रूप है, ठीक है। अब लोगों का क्या व्यू हो चुका है पूरी दुनिया को लेकर के, कि ये एक इकाई है, पूरा विश्व एक ही है, ना कि अलग अलग जो टुकड़े हैं उनका रूप है। जैसे कि पूरा विश्व एक विश्व के रूप में ही अगर हम इसको देखते हैं तो, नहीं तो जैसे अलग अलग जो महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ये सब अलग अलग भूमि के टुकड़े हैं। अब इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उद्योग हैं उनका सबसे मोस्ट जो क्रूशल सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा, ठीक है, किसके अंदर, इस नए युग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का जो युग है, इसके अंदर व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलर्ट, हु 5 years अगो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। कह रहे कि कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, वुड बी इफेक्टेड, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है, इफ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं वो शेयर करें किनके व्यू, द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वुलर्ट, उनके जो व्यू पॉइंट उनको शेयर करें, जो कि 5 साल पहले जिन्होंने अपने आप को घोषित किया था कंपनी का जो सबसे चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिस के रूप में अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया था। ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था कि अगर हम कह रहे हैं कि आवर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो अस्तित्व है, जो बना हुआ अस्तित्व है, किस चीज़ का, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर, अग्रिम निर्माता के रूप में जो हमारा जो अस्तित्व बना हुआ है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि जो एनवायरमेंटल, जो पर्यावरणीय जो परफॉर्मेंस है उसको भी सृष्ट किया जाए, उसमें भी सुधार किया जाए। अगर हमने पर्यावरणीय परफॉर्मेंस गिरा दी तो हम जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो संसाधन है वो एक लिमिट में है। फॉर एग्जांपल, जो 4 उन्होंने जो पिलर बताए थे, जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी वो थी जैसे फिशरीज, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और जो क्रॉप लैंड है, वो उन्होंने बताए थे। तो वो कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिट में हैं, अगर उनको दोबारा से पुनः पूर्ति होने का अगर समय नहीं दिया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा जो काम होगा वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी सुधार करना होगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मेंबर मिनिस्टरशिप, नन हैज पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। कह रहे कि जितनी भी स्टेटमेंट्स मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री के जो समय काल के दौरान जो स्टेटमेंट्स दी थी, कोई भी इतनी ज़्यादा लोगों के ऊपर असर नहीं कर पाई जो कि उन्होंने इंग्लिश में दी थी, उसकी तुलना में, मतलब जो उन्होंने आगे जो स्टेटमेंट दी इसकी तुलना में कोई भी स्टेटमेंट का इतना असर नहीं। फेलिसिटस मतलब ये वर्ड का मतलब होता है जो परम सुख देने वाला, आपके मतलब आपको मतलब आंतरिक शांति देने वाला, कि उनके क्या शब्द थे, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी को इस धरती के ऊपर जो मालिकाना हक नहीं है, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, अगर हम जो सभी यहाँ पर हमारी जो जिंदगी है वो एक किराएदार की है, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसको कि जो हमारी और जो हमारी किराएदार की जो जिंदगी है इसको क्या है, हमने इसको फुल रिपेयरिंग भी करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के मकान में किराएदार किराए पे रहते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, अभी आपका मालिकाना हक, आप जो जी चाहते हो वो उसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पूरी पूरी देखभाल भी करनी है, इसकी मरम्मत भी हमें पूरी करनी है। लीज वैसे होता है पट्टा, ठीक है, जो पहले हिस्ट्री मान के चलिए आप पढ़ते हो 8th class की जो हिस्ट्री की बुक के अंदर एक ये शब्द आते हैं, जो जब अंग्रेज़ों का जो
शासनकाल शुरू हुआ था उस दौरान ये वर्ड था, और आज भी इसका वर्ड लगभग यूज़, ये वर्ड जो यूज़ हो रहा है, जो ज़मीन आप ठेके वगैरह पर दे देते हैं उसको पट्टा बोलते हैं। तो कह रहे कि ये कैसी रिपेयरिंग मरम्मत करने का हमें इसको जिम्मेदारी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में कह रहे हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड, कि हमें ये जो धरती है ये हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, ये वी हैव बोरोड इट, ये इसे हमने उधार लिया है हमारे अपने बच्चों से। क्या है कि इसका ये नहीं कि हमें विरासत में मिले तो हम इसका कैसे भी इस्तेमाल किए जाएं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको अपने बच्चों के लिए भी इसको छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो लेसन आपका फिनिश हो चुका है, और इसकी जो ब्रीफली एक समरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जितना हमने इसको पढ़ा है। ओके, ये एक लेसन था द एलिंग प्लेनेट, जो बीमार धरती है उसके ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर जो ग्रीन मूवमेंट है उसका रोल था। तो ये जो 1994 के अंदर लिखा गया था, ये जो मतलब आर्टिकल था, उसके बाद जैसे 1972 के अंदर जो न्यूजीलैंड के अंदर सबसे पहले ये शुरुआत की गई थी, कि सबसे पहले जो लोगों का जो व्यू था वो था मैकेनिकल व्यू, ठीक है, मैकेनिस्ट का व्यू था उनका, यांत्रिक था, कि एक सिर्फ मतलब कि चलो एक गोला है, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता, लेकिन बाद में हमने इसको एक इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर माना कि ये भी एक जीता जाता है, एक जीव है, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी मतलब जो जो पुनः पूर्ति के लिए समय चाहिए, इसको एक इकोलॉजिकल व्यू हमने इसको देखा। लेकिन धीरे 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 जो लोगों ने भी इसको मानना शुरू किया, और इसके अंदर जैसे कह रहे हैं द वर्ड्स, एक जो लुसाका जाम्बिया के अंदर एक जू था, वहाँ पर एक पिंजरा लगा हुआ था जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो वहाँ पर एक मिरर था, मिरर के अंदर इंसान ही था, तो उसके ऊपर ये उसका सिंपल से मीनिंग था कि जो इंसान है वही दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। और उसके बाद मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की एक बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, जिसके अंदर उन्होंने चार बायोलॉजिकल सिस्टम बताए, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रोपलैंड, ये चारों ही बताए, और यही दुनिया की जो सबसे फाउंडेशन करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो लोग हैं जो प्रोटीन के प्रति जो जागरूक हैं, या उनकी जो भूख है प्रोटीन के प्रति वो इतनी ज़्यादा है कि वो अंधाधुंध मछलियों का शिकार करते हैं, मछली जो पकड़ते हैं, और जो लोग हैं वो भी जैसे जंगलों में जो रहने वाली या गरीब जो कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं वो जलाने के लिए जो ईंधन है वो जंगलों से प्राप्त करते हैं लकड़ी के रूप में, तो वो उनका अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। और वहाँ पर एक मतलब कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसे हालात हैं कि जो खाना बन रहा है वो सस्ता है, लेकिन जो नीचे खाना जो मतलब पकाया जा रहा है जिससे जो लकड़ी जलाई जा रही है वो उससे काफ़ी महंगी है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट था वो था जो पॉपुलेशन है वो जिस गति से बढ़ रही थी वो, ठीक है, और जो जंगल थे जैसे 3.7 मिलियन एकड़ और ईयर की जो जंगल है वो 3.7 मिलियन एकड़ के रूप में हर साल जो भारत है वो खो रहा है, और लगभग जो इन्होंने मतलब जो दिखाया डेटा उससे कहीं ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है। और उसके बाद में जैसा कि अब कंसर्न था, लेकिन उससे पहले एक बात आई थी जो 48A वाली, ठीक है, जो कि कानून है भारत में के अंदर, जो कि आर्टिकल 48 के अंदर कि भारत का जो संविधान है ये कहता है कि जो जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वह है अपने एरिया के जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन भारत में देखा गया है कि जो कानून है वो ढंग से मतलब लागू भी नहीं हो पाते, जैसा कि भारत संविधान के अंदर जो कहा गया है कि जो कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है और बाउंडेड लेबर है, जो बंधुआ मजदूर इन सभी को फिनिश करना है, इसको बंद करना है, लेकिन अभी भी निराशाजनक रूप से ये सब फल फूल रहा है। और पॉपुलेशन का जैसे बताया कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। अमीरों के घरों में आपने देखा होगा अक्सर एक या दो बच्चे होते हैं,
लेकिन जो गरीब है वहाँ पर सबसे बच्चों की मतलब तादाद वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। उनका ये सोचना होता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा वर्कर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर पीपल मीन्स अन एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयड काम करने वाले जिनके पास काम ही नहीं है। ओके, और उसके बाद में जो कि अभी जो लास्ट में बिल्कुल आज हमने पढ़ा कि मिस मार्गरेट थैचर ने, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो थी अपने समय, उन्होंने कहा कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी पीढ़ी है या जनरेशन है उसका इसके ऊपर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। हम सभी यहाँ पर किराए की ज़िंदगी आए हैं, किराए की धरती है, सभी ने यहाँ से चले जाना है, इसलिए इसको हमने रिपेयरिंग, इसकी मरम्मत भी करनी है। और लेस्टर ब्राउन ने जैसा कि कहा कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फ्री फादर्स, कि फोर फादर्स, कि हमने ये जो धरती अपने फोर फादर्स से विरासत में नहीं मिली है, इसे हमने अपने बच्चों से उधार में लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेसन है वो फिनिश हो गया है, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये जो हमने जो वीडियोस बनाई है, जितने भी आपको मैंने सेंड की है, वो यूट्यूब पे जाकर, मेरा जो चैनल है स्टडी हब, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।